गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लेसन फिफ्थ ग्रेट साइंटिस्ट, इसमें किसने जैसे किसका इन्वेंशन किया उसके सामने, फोटो के सामने उस साइंटिस्ट का नाम लिखना। तो ये जो ऑरेंज है उसके अंदर दिया, उसमें से फाइंड आउट करके इसमें लिखा है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रेट साइंटिस्ट। फर्स्ट पिक्चर जो है बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किसने किया, तो उसमें लेडिस्लाव बीरो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बॉल पॉइंट का इन्वेंशन किया। सेकंड है इन्वेंटर द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किसने किया था, तो आइगर आइवानोविच सिकोर्स्की। ये इसमें ऑरेंज जो बॉक्स है उसमें लिखे हुए उसमें से ढूंढना है, और इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है, आपको पता है। नंबर थर्ड, इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया, तो गुग्लेल्मो मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने इसका इन्वेंशन किया था। उसके बाद इन्वेंटेड द टर्बोजेट इंजन, टर्बोजेट इंजन जो है उसका इन्वेंशन किया सर फ्रैंक विट्ठल ने। नंबर फाइव में इन्वेंटेड द मोटर कार, मोटर कार का जो इन्वेंशन है वो किया था कार्ल बेंज ने। नंबर सिक्स में इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो इन्वेंशन किया वो किया माइकल फराडे ने। एंड नंबर सेवन, डेवलप द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो इन्वेंशन जो उसको बनाया वो थे एडवर्ड जेनर। एंड लास्ट वन, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक ड्रग, इसको जो है डेवलप्ड किया, डिस्कवर किया सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे याद रखना है कि बॉल पॉइंट का किसने किया, हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किसने किया, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया, टर्बोजेट इंजन का इन्वेंशन, मोटर कार का, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए, और एंटीबायोटिक ड्रग और पेनिसिलिन के लिए क्या किसने डिस्कवर किया, वो यहाँ पे दिया, इसको याद करना है और वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अभी इसके बाद अगला लेसन सिक्स, सम नेशन बिल्डर्स, जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया, इसमें हमारे इंडिया के लिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। जो ब्रिटिश रूल था यहाँ पे उसके खिलाफ़ हम लोग, हमारे देश के लिए महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। एंड दूसरे और भी बहुत सारे जो अलग अलग कंट्री के हैं उनके नेशन के लिए उनका इसमें विवरण दिया हुआ है। तो ये पिक्चर दी हुई, उनका फ़ोटो दिया हुआ है, वो कौन कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले महात्मा गांधी, जो इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद सेकंड नंबर गांधी जी के बिल्कुल बगल में डॉक्टर सन यात सेन, इन्होंने चाइना के लिए बहुत काम किया।
उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के हैं ये। उसके बाद गांधी जी के बिल्कुल नीचे डॉक्टर अहमद सुकार्नो, डॉक्टर अहमद सुकार्नो ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर होची मिन, डॉक्टर होची मिन इन्होंने वियतनाम से बिलोंग करते हैं ये। उसके बाद ली क्वान यू, ली क्वान यू सिंगापुर, टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया, एंड उसके बाद नेक्स्ट है सोलोमन बंदर नाइक ये श्रीलंका के हैं। उसके बाद केमल पासा ये तुर्की। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गैमल एब्डेल नासिर ये इजिप्ट के हैं। उसके बाद डॉक्टर चैम वेडमैन इज़राइल, एंड लास्ट वन यासिर अराफात ये पैलेस्टाइन के। उसके बाद नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें हमको बताना है जब हम पिक्चर देखेंगे और इसको याद कर लेंगे कौन किस देश का है, वही हमको यहाँ पे बताना है। तो जैसे इसमें मैंने आंसर लिख रखे हैं डॉक्टर अहमद सुकानो, तो हमने पहले देखा ये इंडोनेशिया के हैं, तो इसमें आएगा डी। सेकंड वन में दिया है केमल पासा, केमल पासा टर्की से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट में है एफ टर्की, एफ आएगा उसमें सेकंड में। थर्ड वन यासिर अराफात पैलेस्टाइन, ई में लिखा हुआ है पैलेस्टाइन तो इसलिए ई आंसर। एंड ली कॉन यू ये सिंगापुर से हैं, सिंगापुर सी। एंड लास्ट वन डॉक्टर चैम वेडमैन ये इज़राइल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आएगा बी इज़राइल। उसके बाद अगला लेसन है सेवन नंबर, यहाँ पे कैपिटल कंट्रीज और कैपिटल है, तो हमको कौन से कंट्री का कैपिटल क्या है वो याद करना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट में देखो आंसर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो उसका जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। सेकंड वन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का काबुल नंबर सिक्स पे लिखा हुआ है काबुल, तो सिक्स आंसर है। भूटान, उसका भूटान का जो है कैपिटल है थिम्फू नंबर फोर। कनाडा, कनाडा का है ओट्टावा एट नंबर में। नंबर फाइव चाइना, चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, बीजिंग है नंबर थ्री पे, तो बॉक्स में थ्री लिखा है बीजिंग। नंबर सिक्स जर्मनी, उसका बर्लिन है नंबर टेन में लिखा हुआ है बर्लिन। नंबर सेवन इटली, इटली का जो है कैपिटल है रोम, नंबर सेकंड में देखो रोम लिखा है वहाँ सेकंड लिखना है। एट नंबर फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। नंबर नाइन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। नंबर टेन में इज़राइल, इज़राइल का जो कैपिटल है वो जेरूसलेम है। एंड इलेवन में जापान,
जापान का जो है कैपिटल है टोक्यो। फिर 12 नंबर पे म्यांमार, म्यांमार का जो है निफिडा म्योडा उसका है 9 नंबर। 13 नंबर पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। नंबर 14 में फिलीपाइंस, फिलीपाइंस का जो है मनीला, 20 नंबर में लिखा हुआ है देखो मनीला, तो वहाँ 20 लिख देंगे। एंड 15 नंबर सऊदी अरेबिया, उसका क्या सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। नंबर 16 साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया। नंबर 12 में प्रिटोरिया लिखा हुआ है इसलिए बॉक्स में 12 नंबर। नंबर 17 में स्पेन, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। 19 नंबर में लिखा हुआ है मैड्रिड, वो स्पेन का कैपिटल है। नंबर 18 में थाईलैंड, थाईलैंड जो है थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। एंड 19 यूके, यूके का जो है लंदन। एंड लास्ट 120 यूएसए उसका है वाशिंगटन। यहाँ पे अपने ये कैपिटल और कंट्री, कंट्री का कैपिटल याद करना है। यहाँ पे अपने को ये अभी किपलेसन ग्रेट साइंटिस्ट, इन्वेंटेड ऑफ बॉल पॉइंट, इन्वेंटेड ऑफ हेलीकॉप्टर, इन्वेंटेड रेडियो, टर्बोजेट इंजन, मोटर कार एंड जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक ड्रग का इन्वेंशन किसने किया, उन साइंटिस्टों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर 6 में नेशन बिल्डर्स, जो देश के लिए कुछ किया, सब देश के मुख्य व्यक्तियों के नाम हैं यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। यहाँ पे अपने इस वीडियो में तीनों लेसन कंप्लीट किया और ये तीनों लेसन को अपने वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है। तो जब भी स्कूल खुलेगा, स्कूल में हम रूबरू मिलेंगे, तो जो जो लेसन चल रहे हैं उसका सबका वर्कबुक कंप्लीट होना चाहिए और उसको लर्न भी करके रखना है। आज यहाँ पे वीडियो यहीं पूरा करते हैं।